दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका कभी भी कोई भी मोबाइल में डिस्प्ले पीडीएफ कुछ भी टूटता है तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका क्या टूटा है और आपको क्या चेंज करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका पीडीएफ टूटा है और आपने कोई रिपेयरिंग शॉप गया और आपको बोल दिया कि आपका जो है टोटली कॉम्बो पड़ेगा और उसका दाम है 2500 रुपया, लेकिन उसका कीमत आपका 400 से 500 या तो 700 से 800 रुपया में आपका काम हो जाने वाला था, लेकिन आप जो है उधर दे के आ गए कितना, 2500 रुपया दे के आ गए। तो उसी के चलते मैं आज बताऊंगा आपको कि एक्चुअली में आपका क्या टूटने से आपको क्या चेंज करना चाहिए, कहाँ पे आपको अपना कॉम्बो चेंज करना चाहिए, कहाँ पे आपका टच चेंज करना चाहिए, कहाँ पे आपका आपका ग्लास चेंज करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में आगे तक बने रहो। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर रखो, क्योंकि ऐसा ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं पहले आपको बात करता हूं, जितना भी बड़ा मोबाइल है, जितना भी आप लोग यूज करते हो, सब लेटेस्ट मोबाइल है, उसमें क्या आता है, भी नॉच आता है या तो आपका ये वाला जो नॉच जैसा आता है, ये जो है हॉनर का डिस्प्ले है। लेकिन मैं आपको एक चीज एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अगर आपका ऊपर में टच जो है टूट गया है, डिस्प्ले क्लियरली विजुअल सब कुछ दिखाई दे रहा है आपका, और ओनली टूटा है, काम जो है परफेक्ट कर रहा है, मतलब टोटल जहाँ पे भी आपका टच जो है एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आपका मोबाइल में ओनली फॉर ग्लास चेंज होगा। जितना भी लेटेस्ट मॉडल है, जितना भी ऐसा बड़ा बड़ा डिस्प्ले नहीं होता है जिसमें कि वी नॉच है या तो ये जो साइड में होल नॉच होता है ना, उसमें अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो उसमें जो है ओनली ग्लास चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो है पीडीए का टच का कोई कनेक्शन ही नहीं रहता है, टच का सिचुएशन ही नहीं है। लेकिन उसी सिचुएशन में अगर आपका ऐसा वाला मोबाइल आ जाता है जिसमें कि ऊपर नीचे नॉच है, जिसका कि ये इसका डिस्प्ले है, इस मोबाइल का ये जो है डिस्प्ले है, और इसका जो है टच जो है दूसरा रहता है, मतलब अलग सा रहता है, ये है डिस्प्ले का कनेक्शन और ये है टच का कनेक्शन, इसमें आपको टच चेंज करना पड़ेगा। अगर आपका डिस्प्ले सब कुछ ठीक है, डिस्प्ले सब कुछ दिखाई दे रहा है और आपका टच जो है ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप इस टच को चेंज करने से ठीक हो जाएगा। कितना, इसमें भी 700-800 रुपया खर्चा होगा और इसमें भी वही चीज खर्चा होगा, 700-800 रुपया खर्चा होगा। लेकिन अगर आपका इस मोबाइल में टच ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, आपका डिस्प्ले सब कुछ दिखाई तो दे रहा है, टच टूटा है लेकिन टच काम नहीं कर रहा है, तब आपको कॉम्बो चेंज करना पड़ेगा, मतलब डिस्प्ले पीडीएफ चेंज करना पड़ेगा, कॉम्बो डायरेक्ट टोटल इतना ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो टच का कनेक्शन है अलग सा नहीं रहता है, तो आपको कॉम्बो चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका टच सब कुछ काम कर रहा है, तब आप इसका ओनली ग्लास चेंज कर सकते हो, क्योंकि इसका ग्लास आता है, इसका टच नहीं आता है, इसका टच आता है, इसका टच का कनेक्शन अलग है, आप देख सकते हो, लेकिन इसका टच का कनेक्शन अलग सा नहीं है, तो आपको कॉम्बो चेंज करना पड़ेगा। आपको पता चल गया कि कौन सा मोबाइल में क्या चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप कॉम्बो कब चेंज करोगे। देखिए दोस्तों, अगर आपका मोबाइल में डिस्प्ले कुछ खराबी आ गया है, लाइनिंग का प्रॉब्लम आ गया है, इंक का बड़ा बड़ा जो है स्पॉट आ गया है, तो आप उस सिचुएशन में आप कॉम्बो चेंज करा सकते हो, तब आप ओनली डिस्प्ले नहीं चेंज करा सकते, क्योंकि डिस्प्ले ओनली चेंज नहीं हो सकता। आपका पीडीए अगर अच्छा भी है तो आपको कॉम्बो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्ले का प्राइस ज़्यादा होता है, टच का प्राइस जो है बहुत कम होता है, तो इसलिए क्या होता है ना, आपको कॉम्बो चेंज करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि आपका मोबाइल अगर कभी भी हाथ से गिर के टूट जाता है तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, टच चेंज करना पड़ेगा, ग्लास चेंज करना पड़ेगा, या तो पीडीए चेंज करना पड़ेगा, या तो कॉम्बो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज का वीडियो में, ज़्यादा कुछ नहीं था। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का दोस्त लोग के साथ शेयर करो, और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आगे ऐसे मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।